अब लिखा है सामग्री वस्तुओं का भेद बताया है। लिखा है कि जो अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, जब से नहीं अगर साधन करके चाहते हैं, तो लिखा है महाराज 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन किया जाए। मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र महाराज भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करना है, तो लिखा है 1,00,000 महाराज। अगर किसी की आयु की इच्छा है कि मेरी आयु पूर्ण हो, संपूर्ण आयु बिना किसी रोग के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुख के, बिना किसी झंझट के मुझे पूर्ण आयु प्राप्त हो, तो लिखा है 1,00,000 दूर्वाओं के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करें। दूर्वा 1,00,000 दूर्वा अंकुर से आयु महाराज सुखी, बिना किसी झंझट के, बिना किसी रोग बाधा पीड़ा व्याधि अनाहरत के शुभ लक्षणा आयु प्राप्त होते 1,00,000 दूर्वा से। आगे लिखा है अगर किसी जिसे पुत्र की अभिलाषा है, पुत्र नहीं है घर में और पुत्र की अभिलाषा है, तो वह महाराज धतूरे के 1,00,000 फूल, 1,00,000 फूल धतूरे के ला करके और भगवान शिव जी को नमः शिवाय कह करके अर्पित करें, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण कहता है। आगे बताया है महाराज, लिखा है धतूरे का फूल भी कई प्रकार का होता है, उसका प्रकार भी बता दिया कि जिसका डंठल की ओर से रक्त वर्ण हो, डंठल की ओर लाल दिखाई दे। आगे लिखा है महाराज अगस्त के जो फूल होते हैं, 1,00,000 फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाए तो ये भी बहुत प्रकार से शुभदायक होते हैं, बहुत प्रकार से शुभदायक होते हैं। और आगे लिखा है अगर किसी की अनेक प्रकार से, जैसे किसी की इच्छा होती है ना कि मैं बहुत बड़ा ऐश्वर्य का जीवन जीऊं, अनेक भोग विलास की मेरे पास वस्तुएं हों, एकदम राजसी ठाट से जीवन जीऊं, तो बोले ऐसे लोगों को कामना पूर्ति के लिए बोले 1,00,000 तुलसी दल नमः शिवाय मंत्र से भगवान शिव जी को चढ़ाने से उसे समस्त भोग विलासों की प्राप्ति होती है। 1,00,000 तुलसी दल से शिव की पूजा की जाए तो महाराज भोग मोक्ष सुलभ हो जाता है। आगे बताया है कि महाराज अकाओ जानते हैं ना, अकाओ लिखा है लाल और सफेद आग अपामार्ग और श्वेत कमल के, इन दोनों चीजों के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भगवान समस्त प्रकार के भोग मोक्ष और जो मन चाहे हैं महाराज सकल मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले फल भगवान शिव प्रदान करते हैं। 1,00,000 कमल के और 1,00,000 सफेद या महाराज लाल अकाओ जो मिल जाए, दोनों को यहां पर ग्रहित किया है, दोनों को स्वीकार किया है। आगे लिखा है जो मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, आगे लिखा है महाराज जपा, इसको अड़हल भी कहते हैं, ये वन में जंगल में पाई जाती है, इसके पुष्प महाराज 1,00,000 से भगवान शिव का पूजन करने से 1,00,000 पुष्प से संसार में जीव जिस दिशा में जाएगा, लिखा है 10 दिशाओं में कहीं उसका शत्रु पैदा ही नहीं होगा, शत्रु ही नहीं होंगे। आगे लिखा है महाराज करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के लिए उपयोग में लाए जाए, करवीर के 1,00,000 फूल उस जीव को महाराज जीते जी जब तक जिएगा कोई रोग नहीं हो सकता, रोगों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और महाराज रोग किसी प्रकार जिसको भी हाथ लगा दे उसकी नजर में कोई रोगी ही ना बचे, लिखा है महाराज रोग के उच्चाटन करने के लिए। और लिखा है महाराज अगर किसी को बहुत प्रकार के आभूषणों की इच्छा है कि मेरे पास बहुत प्रकार के आभूषण होना चाहिए, आभूषणों की इच्छा है, तो लिखा है भगवान शिव को 1,00,000 बंदूक, बंदूक जानते दो पहरिया जिसको बोलते हैं, दो पहरिया के 1,00,000 फूल भगवान शिव को नमः शिवाय बोल करके अर्पण करने से समस्त आभूषणों की प्राप्ति होती है। उसके बाद महाराज चमेली से शिव जी की पूजा करके मनुष्य अगर चाहता है कि अनेक प्रकार के नाना प्रकार के वाहन की प्राप्ति हो,
तो कहते चमेली के फूल से जो भगवान शिव को 1,00,000 पुष्प से नमः शिवाय कहकर अर्पित करता है, तो भगवान शिव उसकी सकल वाहन की पूजा, वाहन की उसको प्राप्ति कराते हैं, वाहन उपलब्ध हो जाते हैं उसको। आगे लिखा है अलसी के फूलों से महादेव को 1,00,000 पुष्प नमः शिवाय कहकर शिव की पूजा में लिए जाएं तो उस मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल चढ़ाने से लिखा है, बेला के फूल चढ़ाते हैं महाराज, देखिए लिखा है किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा, बेला के 1,00,000 पुष्प चढ़ाए भगवान शिव जी को नमः शिवाय कहकर शीघ्र उसका विवाह हो जाएगा, उसे योग्य पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। आगे लिखा है महाराज जूही के पुष्प फूलों से 1,00,000 से भगवान शिव जी को अगर पूजन किया जाए तो उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती, अन्न परिपूर्ण भरा रहेगा उस घर में, अन्न की कभी कमी नहीं आएगी। इसके आगे बताया है महाराज कनेर के फूलों से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, 1,00,000 पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं तो उस घर में वस्त्रों के भंडार भर जाएंगे, कभी वस्त्रों की कमी नहीं आएगी, नाना प्रकार से वस्त्रों के भंडार भर जाएंगे। आगे बताया है महाराज शेफालिका, शेफालिका के 1,00,000 पुष्प भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो महाराज जो मानस में लिखा है ना निर्मल मन, उस जीव का मन हर जगह से स्थान छोड़ करके निर्मल हो जाता है, और निर्मल हो जाता है तो निर्मल मन तो चाहिए प्यारे, परम पद भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसका निर्मल मन है ना उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको तो मैं वैसे ही प्राप्त हूं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो तो पाया हुआ ही है, पाएगा नहीं लिखा, पाया हुआ है। आगे बताते हैं महाराज भगवान शिव की पूजा में 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने से, देखिए बहुत सरल है, क्या बिल्व पत्र, 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने से मनुष्य की कामनाएं कहे काम में, जो जो कामना है महाराज काम में वस्तुएं, जो जो वस्तुओं की कामना है वो सब पूर्ण हो जाती है 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने से, और महाराज सारी काम में वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। और श्रृंगार हार एक फूल का नाम है, श्रृंगार हार लिखा है शिवपुराण में, यह हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर घर में किसी प्रकार की सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती, सुख संपत्ति के भंडार भरे रहते हैं। आगे लिखा है महाराज और वर्तमान ऋतु में जिस ऋतु में जो पुष्प आता है, फूलों का भी समय होता है ना कि इस समय में ठंडी के समय में ये वाला फूल मिलेगा, गर्मी में ये वाला फूल मिलेगा, तो बोले जिस ऋतु में जो पुष्प मिलता है उसको 1,00,000 की संख्या में चढ़ाने से महाराज भगवान शिव, शिव की सेवा में समर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे लिखा है राई, राई के पुष्प 1,00,000 राई के पुष्प चढ़ाने से महाराज अगर आपने संकल्प किया आपका कोई शत्रु है, आप उससे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, संकल्प करिए राई के 1,00,000 पुष्प रखिए और उसका नाम लेकर के और महाराज छोड़ करके राई के 1,00,000 पुष्प चढ़ाइए। लिखा है शिव पुराण में कि इस प्रकार अगर 1,00,000 पुष्प चढ़ा दिए शत्रु का नाम लेकर नमः शिवाय कहकर तो शत्रुओं को तत्क्षण मृत्यु आकर के उठा कर ले जाएगी। ये वाला करना नहीं कोई पर जो पहले बताए ना उन सबको करना। बोले शिव महापुराण की जय हो।